सुशांत केस में नया मोड़। जीजा ने दिवंगत अभिनेता को मैसेज कर कहा था, मेरी पत्नी को अपनी समस्याओं से दूर रखो। सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी लोगों में उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी थे। सुशांत की मौत के वक्त सिद्धार्थ उन्हीं के घर में दूसरे कमरे में मौजूद थे। अब सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के जीजा ओपी सिंह की और कथित तौर पर मिले व्हाट्सएप मैसेज को साझा किया है। सिद्धार्थ ने जो मैसेज साझा किया उसके मुताबिक सुशांत अपने परिवार के संपर्क में नहीं थे। यही नहीं, उनके जीजा ने यहाँ तक मैसेज किया था कि अपनी समस्याओं से मेरी बहन को दूर रखो। ओपी सिंह उस वक्त सुशांत से सीधे संपर्क में नहीं थे। सिद्धार्थ ही सुशांत को मैसेज देने वाले थे। सुशांत के नाम भेजे गए मैसेज में ओपी सिंह लिखते हैं कि चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, मुंबई में आमंत्रण देने के लिए धन्यवाद। मुझे पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। आप पर अपने जीवन, करियर, घर की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं सही निकला और अपनी यात्रा की प्लानिंग अपने मुताबिक की। सुशांत के जीजा ने एक अन्य मैसेज में लिखा, कृपया मेरी पत्नी को अपनी समस्याओं से दूर रखो। यह इसलिए क्योंकि आपके आसपास के लोग मदद नहीं करने की आदतों और कुप्रबंधन से भरे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि मेरी पत्नी को इसलिए परेशानी न हो क्योंकि वह बहुत अच्छी है। सराहना करता हूँ कि केवल मैं ही हूँ जो कि आपकी मदद कर सकता है। मैं अभी भी उपलब्ध हूँ। जो कोई भी आपकी देखभाल करता है, आपकी गर्लफ्रेंड, उसका परिवार या आपका मैनेजर, मेरे ऑफिस की ओर से आपसे सहमति होने वाली व्यवस्था की जा सकती है। इस मैसेज पर अपने विचार बताएं। अगर यह आपको अनावश्यक लगता है तो बस अनदेखा करें। सरकार चलाने के लिए, डिपार्टमेंट मैनेज करने के लिए एक परिवार है। सुशांत के जीजा ने यह मैसेज फरवरी 2020 में भेजा था। इसी महीने सुशांत के परिवार ने भी पुलिस को उसकी जान का खतरा बताया था। सोमवार को सुशांत के पिता के सिंह ने अपना एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो कहते हैं उन्हें बांद्रा पुलिस को अपने बेटे की जान के खतरे को लेकर आगाह किया था। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।